हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू वीडियो और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आज हम लोग दोबारा से खेल रहे हैं मक और ये लोग कौन है भाई भाई उनको मारो मत भाई आपको मारने वो लोग अरे 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 भाई 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 गलती हो गया गलती हो गया सर अकेला छोड़ो अरे भाई साहब यार सब पीछे पड़ गए मेरे फ्रोस्ट भाई अब आपका कुछ नहीं हो सकता है अबे एक बंदे के सर पे पेड़ उगा हुआ है व्हाट अबे ये क्या कर दिया इन लोगों ने घेर लिया मेरे को मारो इनको अरे भाई अरे माफ कर दो माफ कर दो नहीं 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 ये मार देंगे भाई अब अब और कोई चारा नहीं है गाइस हम लोगों को इनको सबको मारना पड़ेगा हटो तुम्हारी

Monsters हमें रास्ते में मिलेंगे जिनकी बैंड अपन लोग बजा सकते हैं तो अभी सबसे पहले तो यार मेरे को लकड़िया इकट्ठी करनी पड़ेंगी क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज को जमीन पर, पर चीजें पड़ी हुई मिल रही है आई I मीन mean, भाई इतना लकी मक के अंदर और गाइज यहाँ पर आई थिंक ये गांव जो है काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हम लोगों के लिए हो गया और चलो अब टाइम है इस वर्क बेंच को यहाँ पर लगाने का गाइज थिंक हम लोग वर्क बेंच लगा देते कोई टेंशन की बात है नहीं जो आप कहाँ चला गया तू रोस्ट भाई मेरे को नहीं पता भाई आप जल्दी से सारे के सारे वेपन्स बना लो ब्रो इन लोगों से लड़ना पड़ेगा अपन लोग को हाँ भाई वही कर रहा हूँ आपको तो पता ही हम लोगों को कुछ कुछ चीजें बनानी पड़ती है मक में और एक बार यार वो सारे यारे रेडी हो जाएंगे तो उसके बाद दुश्मनों से लड़ने में यार थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन गाइज उसके लिए हम लोगों को चाहिए लकड़िया एक काम करता हूँ जल्दी जल्दी हम लोग जितना लकड़ी हो सकता है उतना एक्वायर करते तो करना और यहाँ पर एक और लॉग मिल गया वॉट और ओ भाई लिटरली गाइज यहाँ पर शेड के नीचे

कैसे बोट कहाँ पर है भाई यहाँ जाना है हम लोगों को तो चौप ब्रो चल जल्दी निकलते यहाँ पर से रोस्ट भाई मेरा भी काम हो ही क्या है भाई मैं भी भी निकल ही रहा ओके okay, गाइस तो अब हम लोगों का मीट रेडी हो चुका है सारा का सारा खाने का सामान गाइस जो हम लोगों को चाहिए था वो मैंने यहाँ पर चौप के साथ मिलकर हंटिंग करके इकट्ठा कर लिया है गाइज एंड आई थिंक अब बहुत है तो हम लोग काम करते इस वर्क बेंच को भी यहाँ पर से तोड़ करके ले चलते क्योंकि यार देखो अब जब यहाँ पर ऑलरेडी है तो क्या ही रखना और आई डोंट थिंक इस फर्नेस को अपन लोग ले जा सकते है ना चौप रोस्ट भाई इनको तोड़ने के लिए यार अपन लोग को ज्यादा यू नो हाई क्वालिटी

चलो निकलते है आपसे भाई बहुत टाइम हो गया अबे रुक थोड़ा सा कोल भी ले लेता हूँ मैं क्योंकि गाइस कोल का ना इस्तेमाल हम लोगों को फ्यूल बनाने के लिए होगा और इसी फ्यूल को इस्तेमाल करके हम लोग यार मिनरल्स को जो है अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे और भाई उसका सही उपयोग कर पाएंगे रुको यार मेरे को लड़ना ही नहीं है गाइस जॉब तू संभाल ले उसको मैं निकलता हूँ आगे वाह भाई वाह मतलब मेरे को छोड़ के निकल गए मैं आपका गएकर बैठा हुआ हूँ लड़ूंगा क्या अब बचा ले यार क्या आदमी है ओके पर उस सॉम्बी से लड़ाई कर रहा है तब तक हम लोग निकलते हैं आगे और मेरी हेल्थ यार काफी ज्यादा

काफी ज्यादा लंबा है और लेफ्ट साइड में यार काफी सारे जॉम्बीज तो हम लोग उनको अभी फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं और यहाँ पर सीधे रास्ते को यूज करते हुए ओ भाई मेरे को समुद्र दिख रहा है गाइज आई थिंक थोड़ा रात में अंधेरा है तो इसलिए शायद आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा बट हम लोग यार काफी ज्यादा पास पहुंच चुके हैं उस बोट के और मेरे को बोला गया है कि अगर आपने बोट को यार सही से मरम्मत कर दिया उसके बाद आप निकल सकते हो एक जर्नी पे जहाँ पे आपको मिलेगा खजाना तो गाइज मेरे से रुका नहीं जा रहा है इस जर्नी पर निकलने के लिए लेकिन अभी फिलहाल यार जब तक चौप नहीं आता तब तक हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा माइनिंग करना पड़ेगा एंड गाइज

आप देखना चाहते हो कि वो खजाना आखिर में होगा कैसा एनीवेज अभी चलता हूं मैं और लड़ाई करता हूं बॉस के साथ ऑल राइट टाइम टू चैलेंज गार्डियन और यहां पर आ

चिंग देखो ट्वेंटी थ्री किल्स कर लिए तुम्हारे भाई ने चलो कोई बात नहीं स्टे फ्रॉस्टी